हेलो डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू? होप यू आर डूइंग वेरी वेल। बच्चों, हम लोग आज स्टार्ट करने जा रहे हैं सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो बच्चों, ये 11th का बहुत ही बेसिक चैप्टर है, पहला चैप्टर है। ऑब्वियसली एनसीईआरटी में आप देखोगे तो ये लिखा हुआ है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो इसमें बच्चों, केमिस्ट्री को स्टार्ट करना है तो हमें कुछ फंडामेंटल आइडिया रखना है, जैसे कि यूनिट्स क्या होता है, ठीक है, मोल कंसेप्ट क्या होता है, इनके बारे में आपको जानना है बच्चों। ठीक है बच्चों, तो लेट अस स्टार्ट। तो सबसे पहले हम लोग बात करें बच्चों एटम्स की, ठीक है। व्हाट आर एटम्स? तो एटम्स बेसिकली क्या होते हैं बच्चों? स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर विच टेक्स पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, विच टेक्स पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, जो कि केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाला क्या होता है बच्चों? स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, ठीक है। एंड विच मे और मे नॉट हैव फ्री एग्जिस्टेंस, ठीक है। जो मे और मे नॉट हैव फ्री एग्जिस्टेंस, ठीक है। जो कि ये फ्री स्टेट में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं जो एटम कहते हैं। तो आपको पता ही है कि हाइड्रोजन को H से लिखते हैं, कार्बन को C से लिखते हैं ना। आप इसको एलिमेंट भी कह सकते हैं, एटम भी कह सकते हैं, ठीक। नाइट्रोजन को NC लिखते हैं, ऑक्सीजन को O से लिखते हैं, ठीक है। सोडियम को Na से लिखते हैं, ठीक है। ब्रोमीन को Br से लिखते हैं, Cl को Cl से, है ना, क्लोरीन को Cl से लिखते हैं, फ्लोरीन को F से लिखते हैं, ऐसे हो चुके, ठीक है। तो ये जो एटम जो बच्चों हमने जो लिखे हैं ना, ये हमेशा क्या पाए जाते हैं? आपने देखा होगा, है ना, आपने पढ़ा होगा, ये हमेशा कहाँ पे होते हैं? कंबाइंड स्टेट में होते हैं, ठीक है। बाकी जो एटम्स होते हैं, कुछ एलिमेंट्स के एटम ऐसे हैं, जैसे हीलियम हो गया ना, नोबल गैस, हीलियम, नियॉन, ठीक है, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनॉन और रेडॉन, ठीक है। ये सब बच्चों नोबल गैस होते हैं। ये सब क्या होते हैं? ये फ्री स्टेट में होते हैं, ठीक है। ये फ्री स्टेट में होते हैं, ये किस में रहते हैं? कंबाइंड स्टेट में होते हैं, ठीक है। जो अब एटम के बाद हम लोग बात करेंगे बच्चों मॉलिक्यूल की, है। तो मॉलिक्यूल क्या है? मॉलिक्यूल बेसिकली ग्रुप ऑफ एटम है और कुछ नहीं है। मॉलिक्यूल क्या है? ग्रुप ऑफ एटम्स है, ठीक है। अब इस ग्रुप ऑफ एटम में मोनोएटॉमिक भी हो सकता है ना, इसको हम लोग जैसे बोलते हैं, है ना, मॉलिक्यूल क्या है? ग्रुप ऑफ एटम। तो ये जैसे ये मोनोएटॉमिक भी हो सकता है, मोनो, ये डाईएटॉमिक भी हो सकते हैं, ठीक है, ये ट्राईएटॉमिक भी हो सकते हैं, ये टेट्राएटॉमिक भी हो सकते हैं, मतलब इसको हम लोग क्या बोल देंगे? पॉलीएटॉमिक, ठीक है बच्चों, इसको क्या बोलेंगे? पॉलीएटॉमिक, ठीक है। तो अब जो मॉलिक्यूल होता है, इसको हम लोग फर्दर डिवाइड करते हैं। मॉलिक्यूल क्या है? अभी हमने समझा ग्रुप ऑफ एटम है, ठीक है। मॉलिक्यूल को हम लोग होमो एटॉमिक और हेट्रो एटॉमिक, ठीक है, ऐसे भी हम लिखते हैं, होमो एटॉमिक और हेट्रो एटॉमिक, ठीक है। ये भी मॉलिक्यूल को हम लोग लिखते हैं। होमो एटॉमिक मतलब आइडेंटिकल एटम होने चाहिए, है ना। यहाँ पे कितने होने चाहिए? आइडेंटिकल, एक जैसे होने चाहिए, ठीक है। जैसे कि ओ टू हो गया, है ना, दो एटम है, ओ थ्री है ना, पी फोर है, ऐसे भी आप बोल सकते हो, ठीक है। एस एट है, ठीक है, एस सिक्स है, ठीक है बच्चों। तो ये सब होमो एटॉमिक है। हेट्रो एटॉमिक का मतलब है, अच्छा, इनको हम लोग एलिमेंट भी कहते हैं बच्चों, और इनको क्या बोलते हैं? एलिमेंट। एलिमेंट मतलब जो आइडेंटिकल एटम से बना हो। हेट्रो एटॉमिक को हम कंपाउंड भी कहते हैं, जैसे एस सी एल हो गया, है ना, तो एस सी एल एलिमेंट नहीं है, इसमें दो अलग अलग एलिमेंट है, ठीक है। और जैसे कि हमने अमोनिया ले लिया, है, तो ये कंपाउंड है, ये हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल भी है और ये कंपाउंड भी है, ठीक है बच्चों। अब बच्चों हम लोग एटम को लिखते कैसे, है ना,
एटम को हम लोग सिम्बोलिकली ऐसे लिखते हैं, जैसे कोई एटम है एक्स, तो यहाँ पे हम लोग बच्चे लिखते हैं जेड, और यहाँ पे क्या लिखते हैं ए लिखते हैं, ठीक है। तो जेड क्या होता है, जेड होता है एटॉमिक नंबर होता है, ठीक है। जेड क्या होता है, एटॉमिक नंबर, और इसकी वैल्यू क्या होगी, प्रोटॉन प्लस इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन। एटॉमिक नंबर किसको रिप्रेजेंट करता है, कितने उसके अंदर प्रोटॉन है और कितने उसके अंदर इलेक्ट्रॉन है। प्रोटॉन भी बच्चों क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है ना, ये आपको पता होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन कितना होता है, -1.6×10⁻¹⁹ क्या होता है, कूलम, है ना, ये चार्ज होता है बच्चों, ठीक है। प्रोटॉन पे सेम चार्ज होगा, बस साइन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, 1.6×10⁻², ठीक है, 10⁻²⁹ है ना। इसका साइन क्या है जो प्लस है, इसका साइन क्या है माइनस है। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों पे जो चार्जेस होते हैं सेम, बट नेचर क्या होता है, अपोजिट। ये जो होता है बच्चों, ये होता है मास नंबर, ठीक है। मास नंबर होता है N+P, इसको क्या बोलते हैं, मास नंबर बोलते हैं, ठीक है, ये मास नंबर। मास नंबर का मतलब है कि ऐसे पार्टिकल जो एटम के मास को कंस्टिट्यूट करते हैं, ठीक है, ऐसे पार्टिकल जो एटम के मास को कंस्टिट्यूट करते हैं, ठीक है, तो उनको हम लोग मास नंबर कहते हैं, ठीक है। तो ये हमेशा इंटीजर में रहेगा बच्चों, है ना, ये हमेशा नेचुरल नंबर में रहेगा, मतलब ये फ्रैक्शन नहीं होगा। अब जैसे कुछ बच्चों को डाउट होता है कि ये जो है 35.5, क्या हम क्लोरीन को ऐसे लिख सकते हैं, है ना, क्लोरीन को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, तो हम ऐसे नहीं लिख सकते बच्चों, है ना, वी कैन नॉट राइट क्लोरीन, है ना। तो क्लोरीन को हम हमेशा ऐसे लिखेंगे 17, 35, या क्लोरीन को लिखेंगे 17 और 37। तो ये जो क्लोरीन का ये आता है जो 35.5, ठीक है, ये क्या है, क्लोरीन का ये जो 35.5 है, ये इसका है एवरेज एटॉमिक मास है, ठीक है बच्चों, ये क्या है, एवरेज एटॉमिक मास, ये मास नंबर नहीं है ना, मास नंबर फ्रैक्शन में नहीं होगा बच्चों, है ना, ये किस में नहीं होगा, फ्रैक्शन, फ्रैक्शन में, है ना, नहीं होगा, ठीक है, फ्रैक्शन में नहीं होगा, कौन नहीं होगा, मास नंबर, मास नंबर कैन नॉट बी इन फ्रैक्शन, क्योंकि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या हमेशा क्या रहेगा, नेचुरल नंबर रहेगा, इंटीग्रल फॉर्म में रहेगा, ठीक है बच्चों। तो अब जैसे बच्चों हमने लिखा ये है NH3, ये NH3 का एक मॉलिक्यूल है, ठीक है। इसमें क्या है बच्चों, नाइट्रोजन का कितना है बच्चों, वन एटम है, कोई भी देख के बता सकता है ना। और हाइड्रोजन कितना है बच्चों, थ्री एटम है, क्या ये बहुत ईजी है ना। उसी तरह जैसे अगर हमने लिखा है P4O10, है ना, ये एक मॉलिक्यूल है, तो क्या आप इसमें बता सकते हैं फास्फोरस कितना है, फास्फोरस के फोर एटम है और ऑक्सीजन के 10 एटम, ठीक है। तो ये हमने P4O10 लिखा है, ठीक है। उसी तरह जैसे हमने लिखा है SH2SO4, और ये क्या है, कंपाउंड है, यस, मिनिमम एक से ज़्यादा एटम है, ठीक, टाइप के। तो इसमें क्या है, हाइड्रोजन है, सल्फर है और ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन कितने हैं बच्चों, टू है, सल्फर कितने हैं, वन है, और ऑक्सीजन के कितने हैं, फोर है, ठीक है, ये है बच्चों। तो अगर आपको मॉलिकुलर फॉर्मूला मालूम है बच्चों, तो आप क्या बता सकते हो, उसको देख के बता सकते हो, है ना, कि उसमें कौन कौन एलिमेंट है, ठीक है। जैसे हमने लिखा C12H22O11, है ना, क्या आप इसमें बता सकते हो, यस, इसमें कार्बन है, कितने एटम है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के कितने एटम है, निकाल सकते हैं क्या, यस, कार्बन के हैं 12, हाइड्रोजन के हैं 22, ऑक्सीजन के हैं 11, ठीक है जो, ये किसका फॉर्मूला है, पढ़ा है आपने, इस ये है कीन शुगर का, है ना, कीन शुगर, जो गन्ने का जूस होता है ना बच्चों, वही है, ये चीनी का फॉर्मूला आप कह सकते हो, ठीक है, केमिकल फॉर्मूला। उसी तरह ये है C6H12O6, है ना, तो इसमें क्या क्या है, कार्बन है, ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है। कार्बन के एटम कितने हैं बच्चों, सिक्स है, ऑक्सीजन के भी सिक्स है, और हाइड्रोजन के कितने हैं, 12।
ठीक है बच्चों, आई होप यू आर गेटिंग दिस थिंग्स। तो अब बच्चों हम लोग बात करने वाले हैं, हमने एटम समझा है ना, मॉलिक्यूल समझ लिया, एलिमेंट। एलिमेंट क्या होता है? जैसे कार्बन कार्बन है, जैसे डायमंड है बच्चों, तो ये डायमंड क्या है? ये एलिमेंट है, क्लियर? ये कंपाउंड नहीं है, ठीक है। पी फोर क्या है? ये एलिमेंट है, ठीक है बच्चों। तो बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं, ये एलिमेंट है, ठीक है। एसिड क्या है? एलिमेंट है, ये कंपाउंड नहीं है, ठीक है, एलिमेंट। तो एलिमेंट क्या होता है? ओनली सिंगल एटम ना, ओनली क्या होता है? ओनली वन टाइप ऑफ एटम, ठीक है बच्चों, ओनली वन टाइप ऑफ एटम, तो हम लोग उसे एलिमेंट कहते हैं, ठीक है। कंपाउंड मिनिमम, जैसे अमोनिया कंपाउंड है, अमोनिया को हम लोग क्या बोल सकते हैं? इसको मॉलिक्यूल बोल सकते हैं, इसको कंपाउंड बोल सकते हैं, इसको हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल बोल सकते हैं ना। तो ये मॉलिक्यूल भी है, ये कंपाउंड भी है ना। या इस मॉलिक्यूल को अगर हम फर्दर बात करें तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल, ठीक है बच्चों, हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल, ठीक है बच्चों। तो हमने सीखा है एटम क्या होता है। एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर विच टेक्स पार्ट इन टू केमिकल रिएक्शन विच मे और मे नॉट बी प्रेजेंट इन फ्री स्टेट, ठीक है। फ्री स्टेट में कौन होते हैं? नोबल गैसेज होते हैं, ठीक है। बाकी जितने भी एलिमेंट्स के एटम होते हैं वो सारे क्या होते हैं बच्चों? कंबाइंड स्टेट में होते हैं। मॉलिक्यूल क्या होता है? ग्रुप ऑफ एटम होता है, ठीक है। तो उसमें मिनिमम एक रहेगा, तो एक रहेगा तो मोनोएटॉमिक, दो रहेगा तो डायएटॉमिक, तीन है तो ट्राईएटॉमिक, यानी कि दो से ज़्यादा, तो उसे हम लोग पॉलीएटॉमिक भी बोल सकते हैं, ठीक है बच्चों। एटम को हम लोग सिम्बोलिकली कैसे लिखते हैं बच्चों? एक्स लिखते हैं यहाँ पर, ए लिखते हैं, सॉरी यहाँ पर हम लोग एटम को कैसे डिनोट करते हैं? यहाँ पे हमने लिखा एक्स, इधर लिखा हमने ए, इधर लिखा हमने जेड, ठीक है। तो जेड क्या होता है बच्चों? एटॉमिक नंबर होता है। ये इसकी वैल्यू क्या होता है बच्चों? प्रोटॉन इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन, और इसकी वैल्यू क्या होता है बच्चों? न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, ठीक है। तो क्या हम इसे बता सकते हैं? जैसे क्लोरीन है 17 और 35, कैन यू गो फॉर, प्रोटॉन कितने हैं? 11, ठीक है, सॉरी 17, प्रोटॉन 17 है, इलेक्ट्रॉन भी 17 होगा, और न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन ये मिला के कितना हो रहा है बच्चों? 35 हो रहा है ना। तो कैन यू गो फॉर, न्यूट्रॉन कितना आएगा? 35 माइनस 17, ठीक है बच्चों, तो 18 आ जाएगा, क्लियर है बच्चों। तो अब जैसे मान लेते हैं हमने कहा कि H2O है बच्चों, क्या आप इसमें निकाल सकते हो? इसमें दो हाइड्रोजन एटम है, एक ऑक्सीजन एटम है, ठीक है। इसमें दो हाइड्रोजन एटम है और एक ऑक्सीजन एटम है। तो हाइड्रोजन को हम लोग कैसे लिखते हैं बच्चों? 1H1। हाइड्रोजन एक ऐसा एटम होता है जिसमें कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होता बच्चों। तो यहाँ पे प्रोटॉन कितना है? 1, ठीक है, इलेक्ट्रॉन भी कितना है? 1, न्यूट्रॉन कितना है बच्चों? 0 है ना। हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट होता है जिसमें कोई न्यूट्रॉन नहीं होता है, हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट होता है जिसमें कोई न्यूट्रॉन नहीं होता है, ठीक है। तो जैसे बच्चों अगर हम बात करें आपसे कि अगर H2 है तो इसमें आपको बताना है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन कितना है, प्रोटॉन कितना है और न्यूट्रॉन कितना है, ठीक है बच्चों। तो H2 में कितना है? दो हाइड्रोजन है, ठीक है। तो हाइड्रोजन को हम लोग कैसे लिखते हैं? 1H1। तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितना है? 1 है, और इतना ही प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन कितना है बच्चों? 0 है। अब इसमें दो हाइड्रोजन है, तो दो हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन कितना आ जाएगा बोलो बच्चों? 2 आ जाएगा। प्रोटॉन भी कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा, ठीक है। न्यूट्रॉन कितना है? 0। अब इसमें एक एक ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन का सिंबल क्या होता है बच्चों? ये होता है 8 और 16, ठीक है। तो इसका मतलब इसके अंदर क्या है? 8 इलेक्ट्रॉन है और इतने ही प्रोटॉन होंगे, और यहाँ पर ये जो 16 है ये क्या होगा? 16 इज इक्वल टू 8 प्लस एन हो जाएगा, तो एन की वैल्यू क्या भी हो जाएगी बच्चों? 8 हो जाएगी, ठीक है। तो इसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन है, 8 प्रोटॉन है, और 8 ही क्या बच्चों? न्यूट्रॉन है। तो अगर हम H2 की बात करेंगे तो H2 में इलेक्ट्रॉन ऐड करके कितना है बच्चों? ये देखो, हाइड्रोजन ने 2 दिया, इसने कितना हो जाएगा? 10। प्रोटॉन में कितना हो जाएगा? 10। न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा? 8, ठीक है। ये H2 के एक मॉलिक्यूल में क्या हो गया बच्चों? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ठीक है बच्चों, ये आ गया। अब जैसे मान लो किसी भी पार्टिकल पे चार्ज कैसे आता है बच्चों? जैसे Cl है, तो चार्ज कैसे आता है बच्चों? चार्ज आता है बिकॉज ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन,
सी एल ये आ जाता है माइनस, इसका मतलब इसने क्या किया बच्चों, वन इलेक्ट्रॉन गेन किया है, क्या किया है, वन इलेक्ट्रॉन गेन किया, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है ना, तो इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया इसलिए उसके ऊपर क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। ठीक है बच्चों, और अगर जैसे मानते हैं सोडियम है, और सोडियम से आपने क्या बनाया, सोडियम आयन है ना, तो इसमें से हमने क्या किया बच्चों, एक इलेक्ट्रॉन लूज करा दिया ना, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मेक्स एन एटम पॉजिटिवली चार्ज एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन मेक एन एटम नेगेटिवली चार्ज। ठीक है बच्चों, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैटायन बोलते हैं ना, इसको क्या बोलते हैं, कैटायन। और सी एल को क्या बोलते हैं, एन आयन, ये एन आयन है, इसको हम लोग क्लोराइड आयन कहते हैं। ठीक है, क्लोराइड आयन। ठीक बच्चों, तो इस वीडियो में हम लोग बहुत बेसिक बातें सीखे हैं, आप इसको एक बार रिवाइंड करके देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है बच्चों तो लाइक जरूर करते रहा करो, ठीक है, सो दैट आई कैन गेट है ना एनकरेजमेंट फॉर मेकिंग फर्दर वीडियो। थैंक यू वेरी मच, आप बच्चों अपनी फैमिली और अपने पेरेंट्स का जरूर ध्यान रखेंगे। थैंक यू।